खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ किरीट सोमैया जी हैं। किरीट सोमैया जी, पहला सवाल, जो पहली प्रतिक्रिया आप देना चाहेंगे, पिछली बार मोदी लहर थी, क्या आप मोदी सुनामी देखने मिल रही है? मैं ये कहूंगा कि इस बार लोगों ने जो 5 साल मोदी जी को देखा, परखा और मोदी जी के प्रति लोगों ने कहा, यह एक नेता है कि जो देश को विश्व में पहले नंबर पे ले जा सकता है। ईवीएम का रोने लग गए हैं विपक्ष, तो ऐसा है ना, पहले से ही रो रहे थे। अब विपक्ष ने विरोध करना और विरोध में विकृति लाना, ये दोनों में अंतर है। आप 6 महीने पहले 3 राज्यों में जीते, तब आपको ईवीएम, चुनाव आयोग सबका जय जयकार कर रहे थे। अब वही की जनता ने कहा कि विधानसभा में आप ठीक थे, लेकिन लोकसभा में हमें मोदी जी चाहिए, तो भी जनता बेईमान है। किरीट सोमैया जी, आपने मनोज कोटक, आपके छोटे भाई कह के वो, उनके साथ आप खड़े रहे, वो वहां जीत रहे हैं। सवाल ये है कि क्या किरीट सोमैया अब राज्यसभा जाएंगे या किस तरह आगे की भूमिका होगी, क्योंकि आप बड़े नेता हैं बीजेपी के। देखो, लोगों का काम करना, ऊपर नीचे सब जगह भाजपा की सरकार है और जनता में मुंबई से लेके महाराष्ट्र के इश्यू के ऊपर अधिक ध्यान देना, ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं करते रहूंगा। कोई भी सभा हो, जनता की सभा में किरीट में वैसा ही रहेगा। कहां दिखेंगे, सवाल जनता जानना चाहे। अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुझे जो काम महाराष्ट्र, मुंबई या जहां पर भी मोदी जी के मार्गदर्शन के अनुसार देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता का महत्व सांसद और मंत्री से अधिक महत्व का होता है, वो तो है ही। महाराष्ट्र में जीत गठबंधन की हुई है, दोनों के परफॉर्मेंस, शिवसेना बीजेपी परफॉर्मेंस के बारे में क्या समझे? महाराष्ट्र के लोगों ने मोदी जी में विश्वास व्यक्त किया, जिस प्रकार से शिवसेना भाजपा के साथ आई और उन्होंने कहा हमें देश में पुनः एक बार मोदी जी चाहिए, इसलिए महाराष्ट्र की जनता ने तो कांग्रेस एनसीपी को राम राम कर दिया।